पूरी रात कंटिन्यू बारिश थी। मतलब पूरा पैर फट चुका उनका। रुद्रनाथ केदार उत्तराखंड में स्थित महादेव के पंच केदारों में से चौथा केदार, जहां महादेव के मुख यानी कि फेस की पूजा करी जाती है। रुद्रनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है उत्तराखंड के चमोली जिले में सग्गर विलेज से। सग्गर उत्तराखंड का बहुत ही छोटा, खूबसूरत और बहुत ही कम भीड़ भाड़ वाला गाँव है। सग्गर तक पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश से ही सुबह 8 बजे तक बसेस और शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी, लेकिन ऋषिकेश से सग्गर विलेज के लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होगा। ऋषिकेश से आपको बस लेनी होगी चमोली या फिर जोशीमठ के लिए, जो आपको रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग होते हुए बाजपुर या फिर चमोली बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी। फिर वहीं से आप सग्गर विलेज के लिए शेयरिंग या प्राइवेट टैक्सीज ले सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आने वाले हैं तो आपको मैप पर सग्गर का लोकेशन नहीं मिलेगा, तो आप गूगल मैप पे रुद्रनाथ स्टार्टिंग पॉइंट लिख के सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह पूरा दिन ट्रैवल करके हम भी रात को 9 बजे पहुंचे सग्गर विलेज तक, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और बारिश भी कंटिन्यू चल रही थी, इसीलिए जहाँ पर हमें पहला स्टे दिखा हमने वहीं बुक कर लिया। हर हर महादेव। दोस्तों अभी मैं हूँ सग्गर विलेज में और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ का। हालांकि हम यहाँ कल रात को ही पहुँच गए थे, ऋषिकेश से हम सुबह निकले, वहाँ से हमें काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट मोड चेंज करने पड़े। वहाँ से हमें बस मिली थी रुद्रप्रयाग के लिए, रुद्रप्रयाग से फिर दूसरी बस हमने चेंज करी, उससे हम आए कर्णप्रयाग तक, फिर कर्णप्रयाग से हमने कैब हायर करी और फिर हम पहुँचे थे सग्गर तक। सग्गर वही जगह है जहाँ से रुद्रनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो हम भी बस अभी उठे हैं, सुबह के 8 बज गए हैं। कल भी हम काफ़ी थक गए थे तो आराम से रेस्ट किया, सुबह नहा धो के अब ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ इसके पीछे से ट्रैक शुरू होता है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू करेंगे। लोकल से पूछताछ करी हमने तो बता रहे हैं कि ट्रैक पे लगभग 3 दिन का टाइम लग जाता है, 2 दिन चढ़ने में और 1 दिन उतरने में। तो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं 3 दिन 4 दिन जितना भी लगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया वेदर है, एकदम आराम से अपनी यात्रा करेंगे। तो शुरू करते हैं और आपको मिलते हैं ट्रैक पे। रात को इस वाले होटल में स्टे किया था हमने और इसके बिल्कुल सामने से ही ट्रैक शुरू होता है। तो नाश्ता भी हमने फिर यहीं से कर लिया था क्योंकि ऊपर का पता नहीं कितनी आगे जाके मिलेगा। बस यहाँ से 10 मीटर आगे चलते हैं, यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। वैसे तो रुद्रनाथ ट्रैक के काफ़ी सारे रास्ते हैं, एक रास्ता आगे से भी जाता है, बट रात को अंधेरा हो गया था हम यहीं रुक गए थे। और वैसे बता रहे हैं कि मेन रास्ता भी यही वाला है, यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है रुद्रनाथ पैदल मार्ग। तो अब यहीं से अपना ट्रैक शुरू करते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। आगे लेटी भुगियाल नाम से एक जगह है, हो सकता है हम आज का स्टे वहीं पे कर लें। और इस बार गौरव भाई भी अपने साथ ही है जी। चले गौरव भाई, हर हर महादेव। आधा किलोमीटर चल रही है हम, और शुरू से ही चढ़ाई बिल्कुल खड़ी टाइप से ही चल रही है यहाँ पे। अभी तो ये सीढ़ियाँ ही आ रही है, पीछे थोड़ा दूर प्लेन था बिल्कुल, मतलब लोकल्स घरों के बीच से होके रास्ता निकल रहा था। मोस्टली जितने भी ट्रैक मैंने किए हैं उनमें लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद मतलब थोड़ा ग्रीनरी और नज़ारे दिखना स्टार्ट होते हैं, बट इस वाले ट्रैक में मतलब स्टार्टिंग से ही, जो स्टार्टिंग वाला गेट था वहीं से इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, मतलब शुरू से ही मज़ा आना शुरू हो गया हमें। अभी चलते जा रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, मौसम भी एकदम क्लियर है, अभी धूप भी नहीं है बारिश भी नहीं है।
अगर ऐसा ही वेदर रहा पूरे दिन तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा हमारा। दो किलोमीटर कवर हो गया हमारा और टाइम लगा लगभग एक घंटा हमें। और दो किलोमीटर चलने के बाद ये पहला स्टॉप आया यहाँ पे, यहीं पे एक छोटी शॉप है चाय पानी की, और उसी के साथ यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी बनाया गया है जहाँ पे आपके बैग्स वगैरह चेक होंगे कि प्लास्टिक का आपने कैरी किया है नहीं किया है, और साथ ही में आपकी 200 रुपये एक मेम्बर की इस तरह की एक स्लिप भी बनाई जाएगी। ये बता तो रहे आगे भी चेक होगा पर पता नहीं, पर एक काम इन्होंने सही कर रखा है कि जो भी प्लास्टिक था हमारा इन्होंने चेक किया और उसकी 100 रुपये की रसीद एक हमें दे दी, और इनका बोलना है कि जब आप रिटर्न आओगे अगर ये प्लास्टिक आपकी के पास होता है तो ये 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ये एक बढ़िया शुरुआत है पहाड़ों को क्लीन रखने के लिए, क्योंकि आजकल जहाँ भी देखो प्लास्टिक वगैरह हर जगह मिल ही जाता है, तो ऐसा करने से इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। चार किलोमीटर कवर हो गया हमारा और अभी हम पहुँचे पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल में कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी बने हैं और रुकने की भी यहाँ पे अरेंजमेंट्स है। ये सामने टीन शेड दिख रहा है, इसी में ग्राउंड बेडेड बेड लगे हैं, तो उसी में लगभग 600-700 रुपये ये लेते हैं, चार्ज करते हैं, और उसी में आपका रहना और खाना दोनों हो जाते हैं। बाकी नज़ारे बहुत अल्टीमेट है पुंग बुग्याल के भी। रश यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से 5-6 लोग हमें रास्ते में मिले होंगे, बाकी कोई नहीं है, पूरा ट्रैक खाली पड़ा है। वैसे भी रुद्रनाथ यात्रा पे लोग कम ही आते हैं और इस टाइम तो मॉनसून सीज़न है और केदारनाथ यात्रा की जो न्यूज़ डेली आ ही रही है उसको देख के लोग वैसे भी डरे हुए हैं, तो अभी यात्रा बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम शांत सा माहौल है, पूरा नेचर के साउंड है हर तरफ, बर्ड्स के, झरनों के, नदियों के, बाकी और कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम ब्यूटीफुल वेदर और शांति। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। इस सामने दिख रहा है पुंग बुग्याल जहां हम नीचे रुके थे 4 किलोमीटर पे, इसके आगे भी हम आ गए हैं 2-2.5 किलोमीटर, और यहीं पे सामने एक ढाबा है, रुकने के भी यहां पे है अरेंजमेंट। हालांकि खाने में और तो कुछ नहीं मिल पाया हमें, केवल मैगी मिली है, कहीं से एक मैगी खाई, अब चाय पियेंगे और वापस से शुरू करेंगे यात्रा। ल्यूटी नाम से एक जगह है जो यहाँ से 4 किलोमीटर है, वहाँ पे स्टे करने के ऑप्शन है, तो हम भी आज वहीं रुकेंगे। रुकने को यहाँ भी रुक सकते हैं, बट अभी काफ़ी सारा डिस्टेंस है तो थोड़ा आज कवर कर लेते हैं, तो कल सीधा मंदिर तक पहुँच जाएंगे हम, बस एक चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। इस वाले ट्रैक पे
वाटरप्रूफ शूज आप कंपलसरी मान के चलिए, क्योंकि करने को चप्पलों में भी लोग कर ही लेते हैं, और इतनी सारी जगह पे वाटर क्रॉसिंग है कि अगर स्पोर्ट्स शूज हुआ या स्लीपर्स हुई तो फिसल सकते हैं, शूज़ गीले हुए तो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़, वाटरप्रूफ शूज़ पहन के ही ट्रैक करिए। एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, पर लगभग 8 किलोमीटर तो चल ही लिया होगा हमने, और मौली गांव में आया। यहाँ पे एक और ढाबा, यहाँ से ल्यूटी है लगभग 1 किलोमीटर, तो हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी सीधा ल्यूटी जाएंगे, 5-7 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे यहाँ से भी। थोड़ा रुक गई थी यहीं पे, बारिश भी आ गई थी हल्की हल्की, तो यहीं पे थोड़ा कढ़ी चावल खाया, और अभी पता चला कि ऊपर एक भाई जो मंदिर के पास गिर गए थे, उनके पैर पे चोट आई है, मतलब पूरा पैर फट चुका उनका। तो अभी बात ही चल रही थी हेली से रेस्क्यू करने की, अपने गौरव भाई भी मतलब हिमालयन हेली में ही हैं, तो ये भी वहीं से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहे हैं वेदर कैसा है, लेकिन वेदर पूरा पैक है। अब हेली यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, और उनकी कंडीशन ये है कि वो घोड़े पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं, तो अभी देखते हैं अगर वेदर खुल गया तो गौरव भाई कोऑर्डिनेट करके हेली यहाँ तक बुलाएंगे, अगर वेदर नहीं खुला तो पता नहीं क्या होगा फिर, क्योंकि ऊपर कोई अरेंजमेंट नहीं है फर्स्ट एड के या मेडिकल के, तो आज फिर उनको यहीं रुकना पड़ेगा, या नीचे से कुछ पालकी वगैरह आ पाएगी तो फिर उनको उसमें नीचे भेजेंगे। देखते हैं थोड़ी देर में क्या अपडेट मिल पाता है। वेदर खुल तो रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर भाई की किस्मत सही हुई तो ऊपर भी खुली जाएगा, लेकिन अभी तक ऊपर फॉग लगा हुआ ही है। हालांकि हेली निकल गया देहरादून से, ट्राई मारेगा, अगर ऊपर वेदर क्लियर हुआ तो रेस्क्यू हो जाएगा उसका, बाकी अभी देखते हैं थोड़ी देर में, आधे घंटे में कंफर्म पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी हम भी चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, ल्यूटी बुग्याल यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, वेदर का कोई भरोसा नहीं है, अभी 5 मिनट पहले खुला था, अभी वापस से पैक हो गया है। और ऐसे वेदर में हेली आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, अभी तो भोलेनाथ से यही दुआ है बस वेदर सही और भाई का रेस्क्यू हो जाए, टाइम से वो पहुंच जाए किसी जगह जहां प्रॉपर इलाज मिल पाए उनको। ल्यूटी पहुंच गए थे हम 5 बजे, और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब रुक गए, अभी लगभग 6:30 से टाइम हुआ है, यहाँ रुके थे, थोड़ी बातचीत करी लोकल से, आगे का क्या सीन है, ऊपर रुकने का क्या है, सारी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ली यहीं से, और अभी बारिश भी रुक गई है तब हम टेंट से बाहर आए हैं। ल्यूटी में ये पहले ही कैंप साइट थी, और यहीं पर हमने ले लिया था स्टे, ये बारिश में ज़्यादा नहीं चलना चाह रहे थे, इसके आगे भी है एक कैंप साइट, बता रहे हैं ये लास्ट है, इसके बाद मंदिर तक कोई ऑप्शन नहीं है रुकने का, तो यहाँ से देखते हैं कल जल्दी निकलेंगे 6-7 बजे। टेंट्स यहाँ पे प्राइवेट वाले भी हैं, पर हमने ये नहीं लिया, हमने ये शेयरिंग वाला ही लिया था, बारिश आ रही थी उस टाइम पे, और इनमें फिर कपड़े वपड़े का गीला और सब थोड़ा कंजस्टेड हो ही जाता है। चूल्हा हो गया आपका? हाँ, मैं और भाई साथ में गए थे कोड़ी पास पांगर चूल्हा। हाँ, पांगर चूल्हा पीक त्रिशूल पीक। हाँ, पूरा कंप्लीट सबमिट किया था लास्ट सबमिट।
विंटर में होगा वो तो। हम गए थे, कब गए थे किस टाइम पे? विंटर में गए थे, अक्टूबर एंड था। अक्टूबर एंड बर्फ कितनी थी उसमें? बर्फ थी अच्छी खासी थी। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज गए। प्लानिंग वही हम हमेशा 6 बजे की करते हैं, लेकिन निकलना होता है हमारा हमेशा 8 बजे 9 बजे। आज भी वैसा ही होगा, अभी बस उठे ही हैं, फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से बोल रहे रुद्रनाथ टेम्पल जो है वो लगभग 9-10 किलोमीटर है, तो टाइम का कोई आइडिया नहीं, शाम तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि पता किया था हमने, ऊपर भी रुकने की है व्यवस्था, तो हम आज रात वहीं रुकेंगे, फिर कल वापस नीचे डाउन करेंगे। तो अभी वेदर का तो कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ हमेशा अल्टीमेट ही है। अभी भी बहुत अच्छा वेदर है। गौरव भाई तो अभी सो ही रहे हैं, उनको भी उठाते हैं, फिर करते हैं आगे का कार्यक्रम। इस वाले टेंट में रुके थे हम लोग, इन्होंने मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात को डिनर के साथ हमसे लिए थे 700 पर पर्सन। तो काफ़ी सही रेट है, हालांकि फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं इतनी ज़्यादा, पर ठीक है, यहाँ पे जो अवेलेबल है उनमें बेस्ट ही है ये। और वॉशरूम के लिए एक कॉमन वॉशरूम सामने है ये पेड़ के पीछे। जितने भी लोग इसमें रुकते हैं, इसके पीछे एक कैंप है उसमें भी कोई रुकता है, तो वो सब इसी को यूज़ करते हैं फिर, या फिर ये इसके पास में एक दो कैंप वाले हैं इनमें, बाकी ये वाला ज़्यादा सही है। आगे का ट्रेल जाएगा हमारा यहाँ से होते हुए फिर ऊपर, बीच में से कहीं रास्ता निकलेगा इसका। शुरू करते हैं ट्रैक लगभग 1 घंटे में, फिर आगे मिलते हैं आपसे। रुद्रनाथ टेम्पल भी केदारनाथ धाम की तरह ही साल में केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है, और इस टेम्पल का ओपनिंग टाइम रहता है मई मंथ से लेकर अक्टूबर तक। बाकी 6 महीने यानी विंटर टाइम में बाबा रुद्रनाथ की डोली पूजा उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है। और रुद्रनाथ यात्रा करने के लिए आपको किसी भी तरह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सामने येलो वाले टेंट में स्टे किया था हमने ल्विटी, और 8:15 बजे हम निकल गए थे वहाँ से। ल्विटी से पहले का रास्ता पूरा जंगल के बीच से था, दोनों तरफ पेड़ थे, तो थोड़ी सफोकेशन जैसा लग रहा था वहाँ पे। पर अभी एकदम खुला ट्रेल है और धूप भी अच्छी वाली है, हवा भी ठीक ठाक चली रही है, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नहीं आया, आया लेकिन नहीं गए।
जो जाने वो लेके गए, क्या लेके गए तेरा? बता के लेके स्ट्रक्चर। चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है, लगभग 1.5 किलोमीटर कवर किया अभी हमने, और अभी भी बता रहे हैं आगे जो 3 किलोमीटर पे पितरदार नाम से एक जगह है वहाँ तक पूरी खड़ी चढ़ाई रहेगी, उसके बाद थोड़ा प्लेन आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे हल्की हल्की सांस भी फूल रही है, पर चल रहे हैं धीरे धीरे। 1.5 किलोमीटर लगभग 1.25 घंटे में कवर हो पाया हमसे, हालांकि जल्दबाजी भी नहीं है, हम एकदम आराम आराम से चल रहे हैं। फोक की वजह से आगे का नज़ारा नहीं दिख रहा, जब भी बीच में 5 मिनट के लिए खुल रहा है, बहुत अल्टीमेट नज़ारे यहाँ से। जो रात को कल भाई को, मतलब कल दिन में जिस भाई को चोट लग गई थी, कल तो उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया था। हेली आया था 2 बार, बट फोग इतनी थी कि वो लैंड ही नहीं हो पाया। बट अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले उसका रेस्क्यू हो गया। आज भी 2 राउंड करे हेली ने, दूसरे राउंड में कैसे ऐसे लैंड करवाया और उसको लेके गए हैं। हालांकि बता रहे हैं उसका 2.5 लीटर खून तो रात को निकल ही गया था, बट जैसा भी है रेस्क्यू हो गया, अभी नीचे पहुँच जाएगा हॉस्पिटल, तो सेफ है, जान बच गई उसकी। अगर आज भी रेस्क्यू नहीं होता और ब्लड जो कंटिन्यू निकल रहा था तो मुश्किल थी उसके लिए। तकलीफ तो खूब ही हुई होगी उसको भी पूरी रात भर, पर ठीक है, जैसा भी है जान बच जाएगी उसकी। अभी भी बता रहे पितरधार यहाँ से है 2 किलोमीटर, उसके बाद थोड़ा सही आएगा रास्ता, मतलब प्लेन आएगा कुछ कुछ जगह पे। लिट्टी बुग्याल से निकलने के बाद आगे 4-4.5 किलोमीटर तक पानी का कोई सोर्स नहीं है, हमारी भी मतलब बॉटल्स खाली हो गए थे। तो हालांकि ये कोई प्रॉपर सोर्स तो नहीं है, बट इस जगह से हल्का हल्का पानी आ रहा था, तो उसी से हमने फिर बॉटल्स फिल किए। मतलब पानी मिलेगा हमें 4-4.5 किलोमीटर के बाद, और खाने के लिए तो कुछ भी मिलेगा तो बोल रहे हैं सीधा टेम्पल के पास ही मिलेगा। तो खाना तो हालांकि हमने पराठे पैक करा लिए थे इनकेस ज़रूरत पड़ सकती है, और पानी भी अभी के लिए तो भर लिया 2 किलोमीटर पे, फिर मिल ही जाएगा। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाल, आदिशक्ति तू नरमुंड मालाधार, जीवनासर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। पितरधार पहुंच गए, अब यहां से आगे बता रहे इतनी चढ़ाई नहीं होगी, कुछ कुछ जगह प्लेन है, कुछ कुछ जगह डाउन है। पितरधार इस ट्रैक की सबसे ऊंची और खूबसूरत जगह है। यहाँ हम काफ़ी टाइम रुके और हमारा पैक लंच भी हमने यहीं पर किया, पर यहाँ तक की चढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी, और जो यात्री यहाँ तक ट्रैक करने के लिए कैपेबल नहीं हैं तो उनके लिए यहाँ पर केवल खच्चर का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसके चार्जेस रहते हैं अप्रोक्स 8,000 रुपीज़ अप डाउन के लिए। तो यहीं पे लगभग आधा घंटा रुकने के बाद हमने वापस से अपना ट्रैक स्टार्ट किया रुद्रनाथ मंदिर की तरफ। Oh, namah shivaya।
चित्रधार क्रॉस करने के बाद मतलब पूरा ट्रैक ऐसे लग रहा है मतलब किसी नए ट्रेल पे आए हम, एकदम रीस्टार्ट जैसा रिफ्रेश, पूरे नज़ारे अलग हो गए अभी। और अभी चढ़ाई भी नहीं है, पूरा नीचे ही उतर रहे हैं हम। पितरधार रुद्रनाथ मंदिर से भी हाई एल्टीट्यूड पे पितरधार है, तो अब हम वापस डाउन जाएंगे मंदिर के लिए, तो चलने में भी दिक्कत नहीं हो रही, सांस नहीं फूल रही। बहुत ही अलग अलग लेवल के नज़ारे इस ट्रैक पे, मतलब आसपास में मैंने किसी केदार में या कैलाश में भी इतने सुंदर नज़ारे मैंने नहीं देखे हैं। रुद्रनाथ जी ट्रैक के नज़ारे मतलब आप खुद देख लीजिए, कैमरे में फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे इतना, पर जितना कैप्चर करो, जितना इनको मतलब खड़े होकर देखते रहो, उतना कम है। मतलब पहली बार ऐसे हो रहा है कि ये ट्रैक ख़त्म नहीं हो, शाम तक हम चलते रहे आराम से। मंदिर अभी 1.5 किलोमीटर बचा है, लेकिन हमें यहीं से दिखना स्टार्ट हो गया है। मतलब मंदिर देखने के बाद वापस से हिम्मत आई है, बारिश कंटिन्यू चल रही है, रेनकोट तो मैंने नहीं डाला अभी, तो अभी हम भी एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे तो बहुत ही ख़राब है रास्ता। वो सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है एकदम, बस उसी के लास्ट में है टेम्पल। एक मिनट में पूरा मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ऊपर आने के बाद खुला मौसम तो देखा ही नहीं हमने, मतलब फोक तो क्लियर हुई नहीं है यहाँ से। और पिछले 1 घंटे से लगभग बारिश भी कंटिन्यू चल रही है। मंदिर बचा अभी हमसे लगभग 200 मीटर और मंदिर से थोड़ी दूर स्टे के ऑप्शंस हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कैंप्स के साथ ये वाले पक्के जो रूम जैसे हैं, हालांकि ऊपर टीन शेड ही इनके और अंदर भी सारा कुछ शेयरिंग में ही होगा, बट ऐसे हैं इनमें रुक सकते हो आप। हम भी देख रहे हैं जितना मंदिर के पास मिल जाए उतना अच्छा होगा, थोड़ा सा आगे और चलते हैं क्योंकि मंदिर दोपहर में 12 बजे से 3 बजे बंद कर दिए जाते हैं कपाट, तो अभी 3 बजने में है लगभग आधा घंटा, तब तक हम उस स्टे का देख लेते हैं और जब मंदिर खुलेगा तो सीधा दर्शन के लिए निकल जाएंगे। धर्मशाला है आते हैं।
काफ़ी देर बैठ लिए थे हम टेंट में, थोड़ी कॉफ़ी भी बनवाई पी, और मंदिर उस टाइम तो बंद ही था, अभी खुल गया मंदिर भी, थोड़ा टाइम हो ही गया होगा, अभी 3:30 हुई तो आधा घंटा हो गया मंदिर खुले भी, तो अभी पहले मंदिर की तरफ चलते हैं, एक बार वापस आ जाएंगे टेंट पे, क्योंकि आरती का टाइम बता रहे हैं 7 बजे का है। ये बिल्कुल सामने मंदिर से पहले एक गेट बना हुआ है, इसके आगे बोल रहे हैं कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो दर्शन तो बस यहीं तक के हो पाएंगे, बाकी मैं ट्राई करता हूँ आगे कुछ बन पाए थोड़ा वीडियो बनाने का। तो दर्शन करके अभी बाहर आए हम, और इतने बढ़िया दर्शन आज तक शायद ही मेरे किसी शिव मंदिर में करे होंगे मैंने, मतलब कोई नहीं था अंदर, जहाँ पे गर्भगृह वहाँ पे कोई नहीं था, हालांकि एकदम गर्भगृह के अंदर तो नहीं जाने देते, पर जहाँ बाहर से दर्शन किए वहाँ भी केवल हम 2 लोग थे और पंडित जी थे। 15-20 मिनट आराम से रुके हम अंदर, और पंडित जी ने भी काफ़ी सारी बातें बताई, जो शिवलिंग पूरा उस पर देख सकते हैं, पूरा फेस का आकार बना हुआ उस पर, मतलब क्लियरली दिखता है उस पर कि फेस बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा हुआ अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं थी, बाहर से थोड़ा बहुत ले पाए थे, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, दर्शन करवा दूंगा थोड़े मंदिर के बाहर से। अभी 7 बजे है आरती का टाइम, तो हम भी वापस फिर कैंप पे ही आ गए थे, बाहर भी हल्की हल्की बारिश ही अभी, अभी तो टाइम 4:30 हुआ है, लगभग 1-1.5 घंटा अंदर बैठ के फिर वापस जाएंगे मंदिर के पास। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह 6:30-7 के आसपास टाइम हो रहा है, और रुद्रनाथ में अगर आप रुक रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है जानना कि यहाँ पे मतलब वॉशरूम की और नहाने धोने की कोई फैसिलिटी नहीं है। वॉशरूम आपको जाना है बाहर खुले में जाना होगा मंदिर से नीचे 300-400 मीटर, और नहाना भी है तो यहाँ जो नेचुरल सोर्स से पानी आता है उसी ठंडे पानी से आपको बाहर ही नहाना होगा। हालांकि ठंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा वेदर है, एक विंड शीटर मैंने डाल रखा है, इसकी भी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं अंदर से बाहर आया था तो मैं डाल के आ गया, बाकी तो जितना बोलो उतना कम है, बस देखते रहो। अभी सुबह की आरती का टाइम होगा 8 बजे, जल्दी से देखते हैं, नहाना धोना तो मुश्किल होगा, बाकी कार्यक्रम करते हैं फिर चलते हैं मंदिर की तरफ एक बार। हल्का फुल्का ही नहाना धोना हुआ, पर ठीक है यहाँ जितना भी हो पाए, अभी आरती का टाइम भी होने ही वाला है, 8 बजने वाले हैं, तो बस मंदिर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बाकी जो रात की आरती यहाँ पे हुई थी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी हुई थी, मतलब एकदम गेट के पास खड़े होने का मौका मिला हमें, कोई भी मशीनों का यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा था, डमरू थे, घंटियाँ थी, सब लोग हाथों से ही बजा रहे थे, मुझे भी मौका मिला डमरू बजाने का पूरी आरती में, बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब आप कभी मौका मिले यहाँ पे आओगे, खुद आरती का हिस्सा बनोगे, तभी वो चीज़ें समझ आ पाती है, मतलब इतनी कम भीड़ भाड़ में हर एक चीज़ अच्छे से देखने का मौका मिल रहा है, हर चीज़ समझने का मौका मिल रहा है, पंडित जी भी सारी बातें एकदम
प्यार से बता रहे हैं, पूरी कहानियां सुना रहे हैं हमें। बहुत अच्छा, मन नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। अभी सुबह की आरती भी करेंगे, उसके बाद मंदिर के पास ही में रुद्राभिषेक भी हो रहा है, तो देखते हैं वो भी हो पाता या नहीं हो पाता। सुबह की आरती के बाद हमें मिला बाबा रुद्रनाथ जी को चढ़ाया हुआ ब्रह्म कमल, और इसके बाद यहीं से ब्रेकफास्ट करके हम वापस निकल गए सग्गर की ओर। वैसे सग्गर तक एक दिन में पहुंचा जा सकता था, लेकिन हमें ये वैली इतनी सुंदर लगी और जियो के नेटवर्क्स भी यहाँ मोस्टली जगह पे काम कर रहे थे, तो हम एक नाइट और रास्ते में ही कलचांत बुगियाल नाम से एक जगह आती है वहीं पे रुक गए, और इस 2 से 3 दिन के ट्रैक को हमने कंप्लीट किया टोटल 4 दिन में। सो आई होप इस वीडियो से आपको रुद्रनाथ यात्रा की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नए सफ़र पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।